निशनाव में आपका स्वागत है और अब नजर डालेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था और रियल एस्टेट सेक्टर पर। भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कल ही हमने आपको ऑटो सेक्टर की धीमी पड़ती रफ्तार के बारे में बताया था और आज बारी है रियल एस्टेट सेक्टर में छाई मंदी की। जी हाँ, और रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स नाइट फ्रैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर में सालों से छाई मंदी और भी अब बदतर हो चुके हैं और निकट भविष्य में सुधार के हालात भी नज़र नहीं आ रहे हैं। चलिए देखते हैं अर्थव्यवस्था की ताज़ा तस्वीर बयां करती है रिपोर्ट और फिर रुख करेंगे अपने पैनल का। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा सेक्टर डिमांड की कमी, लाखों की तादाद में खरीदार का इंतज़ार करते तैयार मकान और लोन के भार के तले दबते बिल्डर्स की चपेट में हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सेक्टर का आउटलुक है उसे डाउनग्रेड किया गया है। लोग घर नहीं खरीद पा रहे हैं, डिमांड काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है और जो घर नहीं बिक रहे हैं यानी कि अनसोल्ड इन्वेंट्री वो बढ़ती जा रही है। बिल्डर्स अपने लोन्स भी वापस नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से बैंक्स ने बिल्डर्स को लोन देना और मुश्किल कर दिया है। रियल एस्टेट सेक्टर में छाया मंदी का दौर दरअसल पूरी अर्थव्यवस्था की बुरी हालत का एक और सबूत है। साफ है कि लोग मकान नहीं खरीद रहे हैं, जिस तरह से वो गाड़ियां भी नहीं खरीद रहे हैं। इसी हफ्ते आए ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़ों के मुताबिक कारों की बिक्री 30% से ज़्यादा घट गई है। नौकरी नदारत है, सैलरीज भी नहीं बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि बिस्किट, तेल, साबुन बना रही कंपनियों को 5 रुपए का पैकेट बेचना भी मुश्किल हो रहा है। साफ है कि इकोनॉमी का हाल चंगा नहीं है और इसलिए सरकार से सीधा सवाल है कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए उनका क्या प्लान है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे राहुल त्रिवेदी, बीजेपी के लीडर है, आकाश जिंदल इकोनॉमिस्ट है और रोहित गेरा भी जुड़ेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर है गेरा डेवलपमेंट से। लेकिन सबसे पहले चलेंगे सीधे आकाश जिंदल के पास। आकाश जिंदल, हमें ज़रा समझाइए कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। जो एम्प्लॉई है, ज़्यादातर जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ है उनके सैलरीज नहीं बढ़े हैं, नया गाड़ी कोई खरीदना नहीं चाह रहा है, इसलिए हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की सेल घटती जा रही है। अब हमें बताया जा रहा है कि, और हम काफ़ी महीनों से देखते आ रहे हैं, सालों से देखते आ रहे हैं कि मकान की बिक्री भी घटती जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सर्वे किया है सारे रियल एस्टेट स्टेक होल्डर्स का, स्टेक होल्डर्स में जो डेवलपर्स भी मौजूद है, सर्वे से हमें ये पता चल रहा है कि इस हालात को लेकर ये काफ़ी पेसिमिस्टिक है। उनको नहीं लगता कि अगले 6 महीने में कोई सुधार के आसार है। इसका मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल साफ और सीधा है कविता। आज सबसे बड़ी दिक्कत, एक लाइन में अगर उसे समेट के, एक लाइन में अगर उसे पुटअप करूं, तो लैक ऑफ इनकम ग्रोथ। आज लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है। इंक्रीमेंट्स आइदर दे आर नॉट हैपनिंग और द इंक्रीमेंट्स आर हैपनिंग एट अ वेरी वेरी लेसर पेस। साथ में कुछ और ऐड कर दूं, लोगों का सेविंग्स रेट भी कम हो रहा है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सैलरीज बढ़ नहीं रही, खर्चे कम नहीं हो रहे, तो पुरानी सेविंग्स भी यूज़ की जा रही हैं और कंजम्पशन के ऊपर आज सीधा सीधा इम्पैक्ट आ रहा है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मानना है कि आज ग्लोबल रिसेशन का समय है। मैं 6 महीने से आपके चैनल पे फे के साथ जो शेयर्स होते हैं और तमाम अदर चैनल्स पे ये कहता आया हूँ, आई बीन सेइंग दैट दीज आर टाइम्स ऑफ ग्लोबल रिसेशन। और कल मेरी बात सबके सामने प्रूव हो गई है। सिंगापुर जैसी कंट्री जो एक रोल मॉडल इकोनॉमी मानी जाती है, महज 0.1% ओनली 0.1% लास्ट क्वार्टर की GDP ग्रोथ दिखाई है और 2019 के लिए पूरे ईयर के लिए GDP ग्रोथ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं 0 to 1%। पूरे वर्ल्ड की GDP ग्रोथ जो एक्सपेक्ट की जा रही है मात्र 2.6%। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल वर्ल्ड वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी रिसेशन में है। हिंदुस्तान की बात करें, हम रिसेशन में तो नहीं लेकिन स्लो डाउन में हम भी हैं। दुनिया भर में जो हो रहा है, US चाइना ट्रेड वॉर, जियो पोलिटिकल अनसर्टेंटीज, US ईरान इशू, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मिस के आसपास बॉम्बिंग होना, दो ऑल टंकर्स की, कहीं ना कहीं
पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। इंडिया की अगर स्पेसिफिक बात करें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉट इन का मानना है 2012 के आसपास डेवलपर्स के पास इन्वेंट्रीज ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी, ओवर सप्लाई की सिचुएशन बननी शुरू हो गई थी, बिकॉज उस समय बहुत ऑप्टिमिज्म चल रही थी। आज हालात ये क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छे डेवलपर्स हैं, जेन्यून डेवलपर्स हैं, जो डिलीवर कर रहे हैं टाइम पे, जो सारे कंप्लायंसेस कर रहे हैं, उनके लिए भी लोन लेना मुश्किल हुआ पड़ा है जी। सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं, बजट हाउसिंग पे कंसेशन दिए हैं, इंटरेस्ट को लेके सबवेंशन कुछ एग्जेम्पशन दी हैं, लेकिन मिडिल क्लास हाउसिंग में वो सबवेंशन और वो एग्जेम्पशन हमें देखने को नहीं मिल रहे जी। आकाश जी एक सेकंड के और बाकी पैनलिस्ट को लेके आते हैं पहले, फिर बाद में आपसे और खुलासेवार देखेंगे क्या कहना है आपका। लेकिन रोहित गेरा हमारे साथ मौजूद है। रोहित जी, जैसे कि आकाश जी ने अभी जो बात कही है उसमें उनका एक भी कहना है कि ग्लोबल रिसेशन है, कि लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ ग्लोबल रिसेशन की वजह से ये जो हालात बनी हुई है पूरी रियल इस्टेट की, खास करके हमारे देश में, वो हालात ग्लोबल रिसेशन का हिस्सा है, या फिर आपको ये लगता है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज है सरकार की, उन नीतियों की वजह से रियल इस्टेट की जो हालात है वो ज़्यादा खस्ता होते चल रही है? देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर आप रियल इस्टेट का देखें तो जो आपके गेस्ट ने कहा कि जो ग्लोबल रिसेशन और जो नेगेटिव मूड है वो तो गए 4-6 महीने में है, लेकिन अगर आप रियल इस्टेट का सेक्टर देखें तो गए 2-3 साल में रियल इस्टेट सेक्टर को बहुत ही दिक्कतें सहनी पड़ रही है। अगर आप फाइनेंस जो ILFS के वजह से जो फाइनेंस का जो इशू हुआ है, तो फंडिंग अवेलेबल नहीं है, तो वो सिर्फ एक आइटम है। अगर आप देखें GST का जो गवर्नमेंट ने कहा कि जो कस्टमर का जो GST तो कम कर दिया, मगर उसका जो पास थ्रू जो पहले GST में अवेलेबल था वो पास थ्रू उन्होंने कैंसिल किया, तो डेवलपर के पास 4-5 साल से प्राइसेस दाम नहीं बढ़े हुए हैं, इन्फ्लेशन है, GST का कॉस्ट हम सह रहे हैं, तो ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी साइड देर इज नथिंग अवेलेबल, ऑन द फाइनेंस साइड देर इज नथिंग अवेलेबल, कस्टमर्स का अगर मूड और सेंटिमेंट देखे वहां पॉजिटिविटी नहीं है। तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो हेडविंड्स जो आज हम देख रहे हैं वो बहुत दिशा से, बहुत डायरेक्शन से हेडविंड्स आ रहे हैं, और इसके वजह से पूरा सेंटिमेंट और पूरा जो मूड है वो बहुत ही नेगेटिव है आज के हिसाब से जी। और ये बताइए रोहित गेरा कि पैसा फंड्स जुटाना, आपने खुद कहा कैसे ILFS का जो स्कैम हुआ था उसके बाद कैसे मुश्किल हो गया है, दो चीजें बताइए, एक पैसा जुटाना और दूसरा सेल क्लोज करना, ये दोनों कितना मुश्किल हो गया रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पिछले कुछ महीनों में? देखिए, सेल्स में कस्टमर जो है, कोई डेवलपर्स के लिए, कई डेवलपर्स के लिए सेल्स आज भी हो रहे हैं, क्योंकि कस्टमर फाइनली उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां काम शुरू है, जहां कंक्रीट पोर हो रहा है, तो वहां उन डेवलपर्स को ज्यादा मुश्किल, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। जहां काम स्लो हो चुका है क्योंकि कैश फ्लो के वजह से प्रॉब्लम्स में दिक्कत ही है, तो वहां कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं और उनके फिर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ फाइनेंसिंग वो प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इट इज अ फाइनेंसिंग एंड अ कस्टमर, जो कैश क्रंच शुरू हुआ वो क्रैश क्रंच से निकलने के लिए लोगों को कोई ऑप्शन या कोई चारा नहीं रहा। दैट इज रियली वेयर द प्रॉब्लम लाइज टुडे जी। राहुल जी, आपने सुनी होगी बातें दोनों, और एक सवाल उसमें हम ऐड करेंगे, आपको सभी सवालों का जवाब तो जरूर देना पड़ेगा। सबसे अहम मुद्दा यह है कि अगर 2019 की बात करें तो 123 ऐसे मास हाउसिंग फ्रॉड्स मुंबई के दायरे में हमने देखे हैं, जो कि OW के दायरे में है, और करीबन 3683 करोड़ रुपए के फ्रॉड्स है और 5000 से अधिक लोगों को इसमें फंसाया गया है। तो आपको ये नहीं लगता है कि सिर्फ ग्लोबल रिसेशन का नाम देके हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ें हमारे यहाँ हो रही है वो कुछ अलग भी चीज़ें हो रही है, जिसकी वजह से पूरा सेक्टर जो है वो खतरे के एक खतरे का सामना कर रहा है? बिल्कुल मानदेव, देखिए ये समझना पड़ेगा, अगर जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो उसमें हाउसिंग आता है, हॉस्पिटैलिटी आता है, रिटेल आता है, और उसके साथ साथ कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आते हैं। हाउसिंग सेक्टर में आप देखें तो 2016 में रेरा लाई सरकार ने, 2016 से पहले कोई ऐसी रेगुलेटिंग बॉडी नहीं थी,
और ये जितने प्रोजेक्ट जो फंसे हैं या जिसमें सरकार ने या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरफेयर किया है इन्वेस्टर्स के लिए या जो भी लोग हैं अपने पैसे लगा रखे हैं, ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 2016-2015 से पहले के सारे प्रोजेक्ट थे, मैक्सिमम प्रोजेक्ट, खासकर हम एनसीआर की बात करें, एनसीआर की कहीं के भी बात करें, और उसमें जो ब्लैक मनी का जो एक फ्लो था वो बहुत ज़्यादा था। अगर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट देखें तो उस प्रोजेक्ट में अगर 50% ऐसे लोग, हमारे आपके जैसे लोग थे जो अपनी गाढ़ी कमाई से एक फ्लैट या दो फ्लैट लेना चाहते थे, 50% उसमें जो लोग थे जो 10-10, 12-12, 15 फ्लैट बुक कराते थे, और वो ब्लैक मनी का फ्लो था। जैसे ही रेरा आया, रेरा आने के बाद कई सारी चीज़ों को रेगुलेट किया गया, और उसके बाद जब ब्लैक मनी का जो फ्लो वहाँ पे रुकता है उसके बाद से ही इस तरह के रिसेशन देखने को मिल रहा है। तो सरकार का पूरा ध्यान इस पे है, सरकार पूरी तरह से फोकस कर रही है, लेकिन सरकार ये चाह रही है कि इसको रेगुलेट किया जाए, एक सिस्टम में लाया जाए जिससे एटलीस्ट जो इन्वेस्टर हैं, जो राहुल त्रिवेदी ये मानते हैं कि सरकार यहाँ पर सेक्टर को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है और ग्राहक के हक में है, लेकिन रोहित गेरा, मैंने देखा कि आप अपना सर हिला रहे थे, क्या आप ये मानते हैं कि ये जो भी मंदी हम देख रहे हैं रियल एस्टेट में इस वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ यही मैं कुछ बोलना चाहूंगा कविता मैं कुछ बोलना चाहूंगा जी आकाश जिंदल आ रहे हैं आपके पास रोहित गेरा कविता मुझे कुछ बोलना है जी जी आकाश जिंदल आ रहे हैं आपके पास रोहित गेरा क्या आपको लगता है कि सिर्फ ब्लैक मनी रुकने के वजह से मंदी है? I don't agree with this at all. अगर आप रेरा देखें तो रेरा does not interfere कि दाम क्या बेचे, क्या प्राइस में बेचे, वो रेरा का कुछ उसमें संबंध ही नहीं है. So I don't understand the connection between the two. नहीं, इनका कहना है कि ब्लैक मनी जो है सक आउट हो गया मार्केट से, जिस वजह से मंदी है और इसी वजह से हम रिसेशन देख रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं? देखिए, प्रॉब्लम ये ब्लैक मनी की वजह से नहीं है, प्रॉब्लम इज दैट पैसे ही नहीं है. आप कुछ भी कलर की बात करिए, फंड्स आर नॉट अवेलेबल, तो हाउ डू बिल्डर्स नहीं देखिए प्रॉब्लम का जो ब्लैक मनी के साथ साथ जो लोगों का विश्वास घटा है, आप देखें इंडिया में जहां भी ये प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो आप अमरपाली की बात कर ले, यूनिटेक की बात कर ले, जितने को सर्वोच्च न्यायालय ने फिर राहुल त्रिवेदी मुझे कुछ बोलने का मौका दीजिए जी, चलेंगे आकाश जिंदल के पास। राहुल त्रिवेदी, यहाँ पर भरोसे की बात नहीं, बिल्डर पर भरोसे की बात नहीं है, खुद इंसान को अपने सैलरी पर भरोसा नहीं है इस वक्त, आकाश जिंदल नहीं, मैं देखिए नहीं रुकिए आकाश जिंदल को सबसे पहले जो हमारे बीजेपी के मित्र बात करें, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक सर, प्लीज डोंट इंटरफेयर. राहुल जी एक सेकंड, आकाश जी बोलिए, आकाश जी आई विल आल्सो स्पीक. सी व्हाट इज हैपनिंग इज नाउ व्हाट आवर बीजेपी फ्रेंड इज सेइंग, आई डोंट अग्री विद दिस. रेरा और इनकम टैक्स में ये कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करता कि रेरा के आने में और इनकम टैक्स के कंप्लायंस के बढ़ने के अंदर कोई कनेक्शन है, ऐसा मैं महसूस नहीं करता हूं. देखिए, आज की तारीख में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बीजेपी की सरकार एक बहुत अच्छा मिशन लेके चल रही थी, हाउसिंग फॉर एवरीवन बाय 2022. तो हमारा टारगेट, तो सरकार का टारगेट तो ये होना चाहिए कि हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरे हों, लोगों को घर मिले. हमारी सरकार, मोदी साहब की सरकार, मोदी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, आज तक के सबसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर हैं वो, उनका एक बहुत अच्छा टारगेट है सबको घर मिले. तो हमारा टारगेट तो होना चाहिए कि सब लोगों को घर मिले, तो उसमें प्रोजेक्ट्स तो बीच में बिल्कुल भी रुकने नहीं चाहिए. नहीं, आकाश जी, राहुल त्रिवेदी का ये कहना था, जवाब पूरा इतने दिया, प्लीज आकाश जिंदल सुनिए, आप सुनिए, आप ही को सवाल कर रहा हूँ. राहुल त्रिवेदी का ये कहना था कि कुल मिला के ब्लैक मनी जो है, जिसके चलते कई सारे फ्रॉड सामने आ गए, उसके चलते एक तो विश्वास की कमी हुई है मार्केट में, और ये जो ब्लैक मनी में बाधा पड़ गई है उसकी वजह से भी ये स्लो डाउन दिख रहा है. आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? जी नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, बिकॉज आज दिक्कत क्या है, अच्छे जेन्यून कंप्लायंट बिल्डर को भी बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ा इशू ये है. मैं तो रादर सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से
कि जो बिल्डर डिलीवर कर रहा है, कंप्लायंट कर रहा है, उसे ना सिर्फ बैंक से जो है पैसा दिलवाया जाए बल्कि सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दिलाया जाए, बिल्डर्स को हेल्प की जाए कि वो प्रोजेक्ट्स पूरे करें। आज जो बड़े-बड़े टू हेल्प द बिल्डर्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, जिन्होंने लोन और ले रखा है, एक 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 सेकंड, वैसे बैंक कहां से लोन दे? होम बायर्स के लिए भी जो है हमें लोन्स को अवेलेबल कराना चाहिए, बिकॉज लोगों को हमने घर दिलाने हैं। आज जो है अगर कोई बिल्डर 85% 90% प्रोजेक्ट पूरा करके बैठा हुआ है तो वहां बैंक को आगे आना चाहिए और बिल्डर को पैसा देना चाहिए ताकि वो प्रोजेक्ट बना के डिलीवर कर सके, लोगों को घर दे सके। नहीं, जो उसी सारे रियल एस्टेट ग्रुप उसी से इकोनॉमी बढ़ेगी, मैक्सिमम ग्रुप से हाउसिंग फॉर पहले से अरबों रुपए लेकर बैठे हुए हैं, जो बिल्डर्स कंप्लायंट हैं, डिलीवर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर ये भी जी जी यहां एक सेकंड इस डिस्कशन को फिर से एक सेकंड इस डिस्कशन को फिर से फोकस करने की जरूरत है आकाश जिंदल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ आदमी जो आदमी है वो गाड़ी नहीं खरीद रहा है, गाड़ी खरीदने का जो डिसीजन है वो डेफर कर रहा है ऑटो सेल्स से, ये हमें सीधे सीधे पता चल रहा है। घरों की बात करें, मकानों की बात करें तो यहाँ पर भी खरीदारी नहीं हो रही, कई सालों से नहीं हो रही है। आपने खुद जैसे कहा कि सैलरीज नहीं बढ़े हैं लोगों की, इन सब का क्या मतलब निकाले, क्या इसका निष्कर्ष ये है कि इकोनॉमी का खस्ता हाल है? बिल्कुल कविता, मैं आपको एंडोर्स करता हूं, इकोनॉमी स्लो डाउन पे है, रिसेशन तो मैं नहीं मानूंगा, ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन पे है, दिस इज अ रियलिटी विच वी हैव टू एक्सेप्ट, ये रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, एक्नॉलेज करनी पड़ेगी, एंड देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम दिस रियलिटी। आज जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी है, नई जॉब की क्रिएशन बहुत कम हो रही है, जो सैलरी में इंक्रीमेंट की डिमांड नहीं, आप वही एक बार राहुल जी सुनिए, क्या हाल है, एक चाय के ऊपर बात करें तो सुनाई नहीं देगा, ऑटो सेल बहुत बड़ा डाउन है, क्रेडिट टेक ऑफ में इशू है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की जहां तक डिमांड है उसमें डाउन है, इसमें मैं सरकार को दोष नहीं देता हूं, आज मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आकाश जी, हम सिर्फ रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे फिलहाल, रोहित गेरा आपको कुछ कहना है, बताइए रोहित गेरा। देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल, अगर आप ये स्लो डाउन इंडिया का अगर देखें, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स में जो कमी हुई है वो गए 3-6 महीने से नहीं हो रहा है, ये 1 साल से 1.5 साल से हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन है, जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कम हुए आ रहे हैं, इसमें इसका ग्लोबल का क्या सवाल है, कुछ संबंध नहीं है जी। रोहित गेरा, प्लीज आंसर द पॉइंट, यू कैन नॉट डिफ्लेक्ट दिस एंड ओनली से दैट दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, रोहित गेरा एक सेकंड यहां पर रोहित गेरा बिजनेस चलाते हैं, एक सेकंड आकाश जिंदल, रोहित गेरा अपना बिजनेस चलाते हैं, बहुत बड़े डेवलपर है। रोहित गेरा, ये बताइए कि आप कितने कॉन्फिडेंट है अगले 6 महीने, अगले 1 साल को लेकर, क्या आप आगे बढ़कर नया जमीन का पार्सल खरीदेंगे, नए प्रोजेक्ट्स आप लॉन्च कर रहे हो, और क्या उसी तादाद में, उसी पेस में आप ये लॉन्चेस कर रहे हो जैसे आप बूम टाइम में कर रहे थे? बूम टाइम के हिसाब से तो ऑफकोर्स देर इज अ रिडक्शन, वी आर एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक, वी बिलीव कि गवर्नमेंट के जो सब जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें सब पता है कि ग्राउंड पे प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, वो उन्हें एड्रेस कर रही हैं, तो हम इसके हिसाब से बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कि इसका कोई सोल्यूशन आएगा, लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम ऑन द ग्राउंड है, सेंटिमेंट इज डाउन, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, देयर इज स्टिल एन ऑप्टिमिज्म दैट दिस विल चेंज इन द नियर फ्यूचर। राहुल त्रिवेदी, जवाब दे, सोल्यूशन है सरकार के पास? देखिए, सरकार के 2-3 ऐसे पहलू हैं, सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं, आपको इस बजट में लिया गया कि 45 लाख तक का जो मिडिल क्लास के लिए, कि अगर 45 लाख तक का अगर आप फ्लैट लेते हैं, जमीन घर लेते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए का सब्सिडीज गवर्नमेंट देने को तैयार है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 1 करोड़ घर लोगों को दिया गया है। अभी दिल्ली की मैं बात करूं, दिल्ली में जितने भी अनऑथराइज कॉलोनीज थे सारे को ऑथराइज करने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है, उसने अप्रूव कर दिया है। रियल एस्टेट की पूरी इंडस्ट्री को रोहित गेरा रोहित गेरा, क्या आपको लगता है कि ये जो दाखला दे रहे हैं पूरे बजट का, आपको लगता है कि उसमें से कुछ तो आपके लिए कुछ अच्छा हुआ है उसमें? रोहित, देखिए, आपने पहले अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए
जो एटीआईबी का जो स्कीम बिल्डर्स के लिए आपने आप ले आए थे कि सेबी ने जो आरबीआईटी को अप्रूवल दे दिया है उस राहुल त्रिवेदी आप सुनिए तो इन्वेस्टर ज्यादा यहाँ पर मूव नहीं करेंगे राहुल ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे राहुल त्रिवेदी सुनिए तो बोलिए एक सवाल और पूछ लीजिएगा कि आरजीआईटी को अप्रूवल सेबी ने जो दे दिया क्या उससे इन्वेस्टर लोग ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे जी रोहित जी बोलिए सर आपका मैं रीट का जो सवाल आपने जो लास्ट किया है दैट इज गॉट नथिंग टू डू विद हाउसिंग दैट टेक्स केयर ऑफ फंडिंग रिक्वायरमेंट्स एज फार एज बिल्डर्स फॉर द कमर्शियल एसेट्स आर कंसर्न उसमें रेजिडेंशियल हाउसिंग का कुछ सवाल ही नहीं आता ये जो ज्यादातर जो डेवलपर्स है हमारा जो मेन इकोनॉमी जो रियल एस्टेट का आप कहते हैं 80-85% जो है इट इज ऑन हाउसिंग तो प्लीज लेट अस फोकस ऑन दैट नॉट द लास्ट 5-10% विच इज नॉट द मेन एस्पेक्ट ऑफ इट वन टू अगर आप देखें जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो एटीआईबी का जो पहले डेफिनेशन था वो 60 स्क्वायर मीटर ज्यादातर देश में ज्यादातर सिटीज में 60 स्क्वायर मीटर का था इस बजट ने में गवर्नमेंट ने उसे उसके ऊपर एक और लिमिट ले आए कि वो 45 लाख का लिमिट आ चुका है जी। अभी अगर आप देखें 60 स्क्वायर मीटर का हम सब प्लानिंग कर रहे थे अब 60 स्क्वायर मीटर्स और 45 लाख का अगर एक भी फ्लैट 45 लाख से ज्यादा हो गया तो पूरा स्कीम हमें निकालना पड़ेगा तो दीज पॉलिसीज आर नॉट प्रोएक्टिव टू हेल्प अस टू डिलीवर द हाउसिंग व्हिच इज नीडेड फॉर द कंट्री जी जी और यहाँ पर वक्त की कमी है चर्चा यही खत्म करना पड़ेगा लेकिन अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर रियायतें देकर अगर रियल एस्टेट सेक्टर संभल जाता तो ये रियायतें बिल्डर्स भी दे रहे थे ऑफर्स बिल्डर्स भी लेकर आए थे पिछले कई सालों से ऑफर्स ला रहे आज भी आप मार्केट में देखिए तो ऑफर की बरसात हो रही है लेकिन खरीदार यहाँ मौजूद नहीं है खरीदार यहाँ पैसा नहीं लगा रहा है वजह सिर्फ इतना है जब आदमी को ये सोचना पड़े 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट खरीदने पर उसे जब 2 बार सोचना पड़े तब समझ लेना चाहिए कि इकोनॉमी का बुरा हाल है तब समझ लेना चाहिए कि जो आम जनता है उसे ये भरोसा नहीं है कि अगले महीने की सैलरी कहाँ से आएगी और कब तक आएगी और कब तक ये सैलरी हर महीने आती रहेगी इसीलिए जो है आप देख रहे हैं कि निवेश ना इंडस्ट्री कर रही है ना ही हाउस होल्ड कर रही है जी बिल्कुल कविता जैसे आप बता रही हो कि काफी खस्ता हाल है और एक के बाद एक जो एक तरह से जो इंडिकेटर्स है वो बताए जा रहे हैं कि इकोनॉमी जो है हमारी जो आर्थिक हालात जो है वो लगातार नीचे जाती हुई दिख रही है और जो जैसे कि हमने पहले बताया कि गाड़ियां खरीदना भी लोगों का बंद हो चुका है अब घर खरीदना भी लोगों का बंद हो चुका है आते आते समय में बहुत खस्ता हाल दिखाई दे रहा है जी मंदार बने रहिए हमारे साथ मिरर नाउ पर लौटेंगे खबरों को लेकर